ऋषि भी याद करता हूँ। ये फुकरा इंसान राइट, क्या बोलते हैं बहुत हार्ड ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। एल्विश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है। आज हम बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था जिसमें सबसे ज्यादा वोट एल्विश यादव को आया था और आप लोग इस पर बोले थे कि इस पर वीडियो बनाए। अगर आप लोग बोलेंगे और मैं नहीं करूंगा ऐसा हो सकता है, तो चलिए और आज की इस वीडियो पर एल्विश यादव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अक्रम और आप देख रहे हैं अक्रम तक इस चैनल पर। रिसेंटली में एमआई वनटाई को बुलाया था बिग बॉस के अंदर, तो एमआई वनटाई ने क्या कहा जरा इस पर गौर करते हैं। अभिषेक भी याद करता है, ये फुकरा इंसान राइट, क्या बोलते बाबा बहुत हार्ड ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा तुमको देख के और बहुत अच्छा करो माशाल्लाह। अरे यार तुम लोग आके यहाँ पे इनकी तारीफ करते हो, मुझे झेलना पड़ता तो तारीफ मत क्या करो। टॉपिक्स थे, हाँ जी सही बात है, भाई का फुल बात दिमाग में घुसा के फुल जीत के आने वाला शॉट है क्या। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह यार। वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बंटाई के पब्लिक एकदम। थैंक यू। आप लोगों को पता चल गया, तो अब बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। ठगेश को बुलाया था बिग बॉस के अंदर और उसने एल्विश यादव को क्या कहा, सबसे पहले इस बात पर आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए और इस बात पर गौर करते हैं कि ठगेश ने एल्विश यादव को क्या कहा था। एल्विश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि एल्विश से क्लोज रहे, मनीषा से क्लोज रहे एंड आशिका से क्लोज रहे थोड़ा। तो आप लोगों को पता चल गया कि एल्विश सिस्टम चलाने वाला है। और ट्रॉफी की बात करें तो ट्रॉफी फुकरा इंसान के हाथ पर देखना चाहते हैं ठगेश भाई। अब आप लोग ही बताएं कि ट्रॉफी का हकदार एल्विश है या फिर फुकरा इंसान है, तो आप लोग इस पर कमेंट कर दीजिएगा, हमको भी पता चल जाएगा और आप लोग का राय समझ में मुझे भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड द विनर ऑफ बिग बॉस गोज टू फुकरा इंसान।